नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधिका मेकओवर्स में। मैं यहाँ पे फेस्टिव मेकअप लुक लेके आई हूँ आपके लिए। और मेकअप करने से पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था और लिप पे बाम लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे बाम लगाने के बाद में प्राइमर यूज कर रही हूँ। मियोन का प्राइमर है गाइस, ये बहुत अच्छा प्राइमर है। तो ये अपने फेस पे हमें लगा लेना है। मैं फिंगर की मदद से ही इसको अपने फेस पे फैला लूँगी, टी जोन एरिया जो है खास तौर से उस पर, कि हमें ऑयल वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, वो मेकअप हमारा अच्छे से ब्लेंड हो जाए, फिनिशिंग अच्छी आए मेकअप की। अब मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ, उसका येलो कलर का मैंने कंसीलर लिया हुआ है। और ये जहाँ पे भी हमें डार्क सर्कल की या डार्क स्पॉट की जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हिस्सा आपको डार्क हाइड करना है, वहाँ पे आप लगा लीजिए इसको। मैंने इसको फिंगर से लगा दिया है और ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अपने फेस पे फैला दूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग गाइस किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी, फाइनल रिजल्ट हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। अब मैं यहाँ पे ऑरिफ्लेम का फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये फाउंडेशन गाइस बहुत अच्छा है और इसका जो है ना, ये वाइट नहीं होता है, वाइट नहीं करता फेस को। ओनली इसको लगाने से फेस पे ग्लो दिखता है, ग्लो बहुत अच्छा आता है इसको लगाने से फेस पे। मैंने जो कंसीलर नीचे लगाया हुआ था उसके ऊपर मैंने जो फाउंडेशन लगाया हुआ है, अब मैं इसको हल्के हाथ से ब्लेंडर की सहायता से, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, फैला दूंगी अपने फेस पे, पूरे फेस पे। और गाइस इसको मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो मैं बार बार आपको बताती हूँ, ब्लेंड अच्छे से करिए। ब्लेंड अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं यहाँ बहुत लाइट मेकअप ही कर रही हूँ, डार्क मेकअप नहीं, हैवी मेकअप में नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने इस फाउंडेशन को यूज किया हुआ है। अदर मैंने अपने हैवी मेकअप में आपको और कई सारे फाउंडेशन भी यूज करके दिखाए हुए हैं। फाउंडेशन लगाने के बाद बारी आती है इसको सेट करने की। जो भी प्रोडक्ट हमने लगाए हैं उनको, बेस जो हमारा है उसको हम सेट कर दें, उसके लिए मैंने ओरिफ्लेम का पाउडर ही, फेस पाउडर यूज किया था। अब मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल करने के लिए मालियों की ये जो आईब्रो पैलेट है, इसमें 4 कलर इन्होंने दिए हुए हैं, इसको मैं यूज कर रही हूँ। और ये पाउडर बेस है, पाउडर जो है प्रोडक्ट है, मैं अपनी आज आईब्रो को पाउडर बेस से ही फिल कर रही हूँ। और ये जो गाइस बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मैट फिनिश देता है। अदरवाइज जेल प्रोडक्ट भी मैं यूज करती हूँ, बट उसको लगाने से थोड़ा ऑयली फेस पे आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको ही लगाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे आज मैं कंटूर भी इसी पाउडर पैलेट से करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने ऑयल जो मैं लिक्विड पैलेट यूज करती हूँ उसके लिए, कंटूर के लिए, वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ। मैं इसी पैलेट से मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसको कंटूर एरिया पे अपने लगा दिया है, जहाँ जहाँ मुझे अपने फैट को छिपाना है। कंटूर हम करते हैं कि जो हमारा हैवी पार्ट जो है फेस का, उसको हम छिपा देते हैं। नोज को शेप देने के लिए कंटूर जरूर करना चाहिए हमें। तो आप देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे से कर दिया है इसको, ब्लेंड अच्छे से करना है हमें। ब्लेंडिंग फेस में जो भी मेकअप कर रहे हैं आप गाइस, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे ब्लश ले रही हूँ, पिंक जो मेरी आई पैलेट है, मैंने पिंक कलर का उससे कलर पिक किया और मैंने उसको अपने एरिया, जो भी ब्लश एरिया है वहाँ पे मैंने इसको अपने चीक पे लगा दिया है। हल्का सा उसको भी ब्लेंड कर दिया अच्छे से। ब्लेंड करेंगे तो ग्लो अच्छा आएगा, वो हैवी पिंक पिंक नहीं दिखता है। अब मैं यहाँ पे अपना आई मेकअप शुरू करने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आपने देखा जैसे मैंने फाउंडेशन कंसीलर जो भी लगाया हुआ था, साथ में ही आई को कवर कर दिया था। अब मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर लिया हुआ है और उसको मैंने अच्छे से अपनी आँखों पर फैला दिया है। ऊपर वाले एरिया पे आप देखेंगे मैंने लगाया हुआ है, बीच का जो है आईबॉल एरिया है उसको मैंने टच नहीं किया है। उस पर मैं ये बहुत अच्छा, ये जो है ना वाइट कलर दे रही हूँ, सिल्वर कलर दे रही हूँ, सिल्वर कलर पाउडर बेस दिया पहले मैंने। कट क्रीज में है यहाँ हल्का सा लुक दे रही हूँ कट क्रीज का। आप अगर अपने से जानना चाहें कि कट क्रीज आई कैसे मेकअप करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ये लिक्विड सिल्वर कलर लिया हुआ है, इसको मैंने उसी के ऊपर लगा दिया है। देखिएगा कितना अच्छा सा उभर के वो कलर आया है, जो सिल्वर कलर है कितना उभर के आया है। ग्लिटर बेस से ही ग्लिटर है इसमें हल्का सा, और मैंने उसको उसी पाउडर बेस के ऊपर इसको लगा दिया है। देखिए गाइस कितना अच्छा सा कलर लग रहा है। लाइनर
लाइनर लगाने से पहले मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिया है, हल्का सा अपना आई कॉर्नर पे लगा दिया है और आईलिड पर, और उसके साथ ही अपने आईब्रो के जो कॉर्नर हैं उन पे भी लगा दिया है, जिससे कि आईब्रो का शेप हमारा डिफाइन हो जाए अच्छे से। अब मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। काजल मैंने लैक्मे का लिया हुआ है, अच्छा है काजल, ये लैक्मे का बहुत ही अच्छा है। काजल लगाना मुझे बहुत पसंद है, काजल मैं ज़रूर लगाती हूँ, और कोई भी मेकअप कंप्लीट करने के लिए आँखों का काजल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ, स्टे कुकी का लाइनर लगा रही हूँ मैं गाइस। यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैट फिनिश देता है और स्टे भी करता है। ऐसा नहीं है कि लाइनर लगाया कई लाइनर निकल जाते हैं तुरंत, ये ऐसा नहीं है। इसको लगाते ही देखिएगा आँखों में कितना बढ़िया सा इफेक्ट आता है। और इसको लगा के भाई समय छोड़ देना है, इसके बाद में मैं मस्कारा लगाऊंगी। यहाँ पे आईलैशेस या कॉन्टैक्ट लेंस का मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। लास्ट वीडियो जो मेकअप का मेरा आया हुआ है उसमें मैंने सारा कुछ करके दिखाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, तो वो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल मस्कारा ही लगा रही हूँ, और ओरिफ्लेम का मैंने मस्कारा लिया हुआ है, बहुत अच्छा है, हैवी लुक देता है लैशेस को, तो मैंने इसको लगा दिया है। देखिएगा लगाते ही फर्क दिख रहा है आपको, लगभग मेरा मेकअप कंप्लीट होने जा रहा है। फेस पे ग्लो लाने के लिए हाइलाइटर का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो भी एरिया आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप लगा दीजिए, या जैसे जैसे आप मुझे फॉलो करिए जहाँ मैंने लगाया हो वहाँ पे आप लगा दीजिए। अब मैंने एक बार फिर से फेस पाउडर का यूज किया हुआ है कि हल्का फुल्का सा इधर उधर अगर हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, तो उसको मैं कवर कर लूँ अच्छे से। मैं बिंदी लगा दी है, मैंने किस ब्यूटी का यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक यूज किया हुआ है गाइस, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे हुडा ब्यूटी का मैंने मेकअप फिक्सर यूज करके अपना मेकअप कंप्लीट किया हुआ है गाइस।